है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं अपने गार्डन में जो मैंने हल्दी बोई थी उसको मैं हार्वेस्ट करूंगी। ये देखिए, हल्दी जब हमारी तैयार हो जाती है तो उसकी ये पहचान होती है कि इसके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल सूख जाते हैं, तो हम समझ जाएं कि हमारी हल्दी अब निकालने के लिए तैयार है। अब हम इसको निकालते हैं। हल्दी हमारी ये निकल रही है, ये देखिए आप, ये गुच्छों में हल्दी आती है। अब हम इसको गुच्छों से क्या मिट्टी अलग कर देंगे और हल्दी को निकाल लेंगे। हम धीरे धीरे कन्नी को चलाएंगे ताकि हमारी हल्दी कटे नहीं, और आराम से हल्के हाथों से हम कन्नी की सहायता से हमारी हल्दी को निकालेंगे। ये देखिए कितना बड़ा अच्छा निकला है हल्दी का। ये मिट्टी को झटक देंगे, हल्दी अपने आप निकल जाती है अलग, ये हमारी जड़ें रह जाती हैं। इसी तरीके से फ्रेंड हम अपनी सारी हल्दी निकाल लेंगे, इसे धीरे धीरे आराम से निकालेंगे। फ्रेंड कोशिश करें आप कि इसको हाथ से ही निकालें, क्योंकि अगर आप खुरपी से निकालेंगे तो अंदर ये हल्दी कट जाएगी। आप आराम से हाथों से ही इसको निकाल लें। धीरे धीरे हल्के हाथों से हम खुरपी से मिट्टी को ऊपर खाबड़ करके अपनी हल्दी को ढूंढें। क्योंकि जब हल्दी अपन लगाते हैं तो ये जो नीचे ही नीचे आगे तक फैलती जाती है और ये खुद अपनी जगह बना लेती है। ये देखिए आप देख रहे हैं कितने बड़े गुच्छे निकल रहे हैं हल्दी के। मेरी छोटी सी जगह में मैंने ये हल्दी लगाई थी और मुझे ढेर सारी हल्दी मिल रही है। देखिए आप कितना बड़ा गुच्छा हमारा हल्दी का निकला है। अब इसमें झटक के मिट्टी को अलग कर देंगे। गुच्छे के गुच्छे हमारे हल्दी के बन के तैयार हुए हैं। आराम से मिट्टी को ऊपर नीचे करके हमें हल्दी ढूंढना है। फ्रेंड आप चाहें तो अगर आप अपने गार्डन में हल्दी लगाना चाहें तो आप बाजार में गीली हल्दी भी मिलती है, आप उसको लाके भी हल्दी के पौधे ग्रोथ कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। आप गमलों में भी लगा सकते हैं, बड़े ड्रम में भी लगा सकते हैं, फैली हुई चीज में भी लगा सकते हैं। हमने अपनी सारी हल्दी निकाल ली और आप देख लीजिए मिट्टी में कहीं हल्दी तो नहीं रह गई। ये देखिए ये हमारी पूरी हल्दी निकल गई, बड़े बड़े गुच्छे हल्दी के। उनको आप अलग कर लीजिए हल्दी को, और इसकी जो फ्रेंड जड़ें जो होंगी उन्हें हम फिर से दोबारा से उसी मिट्टी में लगा देंगे, तो इससे भी हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे। और मैंने अपनी ये हल्दी इसी जड़ों से जड़ें लगाई थी मैंने एक बार अपनी, और इससे पहले भी मैंने अपने गार्डन में बताया है, आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी हल्दी निकाली थी और उन जड़ों को लगाया था। वो मेरी वीडियो भी डली हुई है, मैं आपको बताऊंगी और डालूंगी वो वीडियो आपको कि ये जड़ों से ही मैंने ये हल्दी को ग्रोथ किया था। ये देखिए ये इतनी बड़ी बड़ी जड़ें अलग निकल जाएंगी, हल्दी हमारी अलग निकल जाती है। इसकी मिट्टी निकाल लीजिए, हल्दी तोड़ लीजिए। ये देखिए ये जड़ें जो दिख रही हैं इनको हमने दोबारा इसी मिट्टी में गड़ा देना है, तो हमारे उपाय डाल दीजिए, बस ये हमारे पौधे हल्दी के निकल जाएंगे। हमारी हल्दी इन्हीं जड़ों से हमारी हल्दी फिर से दोबारा तैयार हो जाएगी। फ्रेंड आप लगा के देखिएगा, ट्राई करिएगा। फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरी छोटी सी जगह से कितनी ढेर सारी हल्दी निकली है, कम से कम 2 किलो के करीब मेरी हल्दी निकली है।
अब हम सारी हल्दी को मिट्टी से अलग करके और इसको धोएंगे। हमें अच्छे से इसको धो लेंगे दो पानी से, ताकि हमारी हल्दी में से मिट्टी पूरी निकल जाए और उसमें मिट्टी ना लगी रहे। हमारी सारी हल्दी अब धुल गई, अब हमें इसे फैला के धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।